Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ बाय हर्षिता गुप्ता। तो आज हम बेसिकली बहुत जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो आज हम बात करेंगे सी इन और सी आउट। सी इन और सी आउट किस लिए? सी आउट के बारे में आप सुन चुके होंगे कि सी आउट बेसिकली यूज़ हमने अभी तक करा था अपने टर्मिनल पर कोई आउटपुट प्रिंट कराने के लिए। सी इन किस लिए? अगर आपको यूज़र से इनपुट लेना है ना, बहुत सा कोड या बहुत सी रिक्वायरमेंट आपकी ऐसी होगी जहाँ पे आपको डायरेक्टली यूज़र से इनपुट लेना होगा, उसके बाद आपको उस इनपुट पे कुछ ना कुछ मतलब टास्क परफॉर्म करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या जो फंक्शन हमें दिया होता है वो होता है सी इन कमांड होता है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल देखते हैं विजुअल स्टूडियो पर। ओके, तो हम अपने विजुअल स्टूडियो पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे चलिए मैंने एक फाइल बनाई जिसका नाम है सी इन स्लैश सी आउट डॉट सी पी पी। बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो हमारी हेडर फाइल है वही बेसिकली इसको इंक्लूड करती है। मतलब अगर आप बिना हेडर फाइल के इसको लिखेंगे तो ये आपको एरर दे देगा। सी इन सी आउट मेनली कम्स फ्रॉम आईओ स्ट्रीम। ओके, दूसरा यह था यूजिंग, ये आपको टाइम के साथ याद हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, जब आप लिखते रहेंगे तो याद हो जाता है। ओके, अब मेन लूप की बारी, इंट मेन कर्ली ब्रेसेस एंड रिटर्न 0। चलिए, तो ये हमारी बेसिक टेम्पलेट हो गई। अब हम बात करते हैं पहले सी इन की। ठीक है, तो पहले हम जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल। डिफाइन करने के लिए आपको वेरिएबल में क्या चाहिए होता है? सबसे पहले आपको उसका डेटा टाइप पहले से बताकर उसे वेरिएबल को डिफाइन करना होता है, अदरवाइज वो एरर दे देगा। तो हम एक इंट नाम का वेरिएबल बना डेटा वेरिएबल बनाते हैं, जो देखें मार्क्स बनाते हैं। ठीक है, अब हम जो मार्क्स हैं वो हम खुद नहीं देना चाहते हैं, हम इन यूज़र से लेना चाहते हैं, तो हम यूज़ करेंगे सी इन। सी आउट सी इन में एक मेनली डिफरेंस है ग्रेटर देन और लेस देन का साइन। वहाँ पे आपने देखा होगा लेस देन का साइन था, यहाँ पे होगा ग्रेटर देन का साइन कि हमें लेना है सी इन मार्क्स टर्मिनेट। ठीक है, थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए इसे लिखते हैं। चलिए पहले सी आउट कराते हैं, सी आउट, और हम लिखेंगे स्ट्रिंग्स में एंटर द मार्क्स। थोड़ा अच्छा देखना चाहिए ना हमारा कोड। ओके, मार्क्स स्पेलिंग MARKS। ओके, सेव करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक्चुअली विजुअल स्टूडियो में नॉर्मली जो आपका कोड रन होकर आता है वो इस विंडो पर आता है आउटपुट। यहाँ पे आपको कुछ भी लिखने का परमिशन नहीं होती। तो अगर आपको टर्मिनल पे लाना है, टर्मिनल पे जाता राइट, आप वहाँ पे अपना राइट क्लिक कर सकते हैं। मतलब जो आपको यूज़र जैसे यहाँ पे मांगा है यूज़र से इनपुट, तो आप यहीं पे राइट कर सकते हैं, आपको आउटपुट में वो अलाउ नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें फाइल में जाना है, प्रेफरेंसेस में, सेटिंग्स में, और सेटिंग्स हम खोल लेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे कोड रनर। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और ओके, आपकी सेटिंग आएगी जिसमें लिखा होगा कोड रनर रन इन टर्मिनल, जिससे आप इसको इनपुट दे सकते हैं। तो आपको अपना ऐसा कोड रन करने से पहले यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा। ओके, अगर आप टिक लगा देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए हम मूव करते हैं अपने फाइल पर। चलिए प्रोग्राम ठीक है, सेव करा, लेट्स रन। ओके ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आया एंटर द मार्क्स। ठीक है, अब हमने मार्क्स एंटर करे 40। ओके, हमने यहाँ पे एंटर करे 45। ओके, ये जो फाइल थी या जो हमारा प्रोग्राम था वो टर्मिनेट हो गया। अब जैसे यहाँ पे आपको नो प्रॉब्लम हो रही होगी, बिल्कुल पासवर्ड में लिखा है, तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको NL। ये किस लिए यूज़ करा था हमने? बेसिकली अपनी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए, अगर आपको दूसरी लाइन पे अपना आउटपुट लाना है इसलिए। फिर से एक बार रन करते हैं। ओके,
क्लिक करें एंटर द मार्क्स, और हमने मार्क्स एंटर करे यहाँ पे आपने लाया और 45। ओके, आप देख सकते हैं ये ब्यूटीफुल लग रहा है। सो बेसिकली सी इन सी आउट इसीलिए यूज़ होता है, सी इन आपको यूज़र से इनपुट लेना है और सी आउट आपको टर्मिनल पे प्रिंट कराना है। ओके, सो थैंक यू गाइस, आगे की वीडियोस ट्यूटोरियल सीरीज आगे कंटिन्यू करेंगे।